कलाकार को नमस्कार दोस्तों, कैसे हो तुम लोग? आशा करता हूँ तुम लोग अच्छे हो गए। तो तुम लोग के साथ मैं करने वाला हूँ एक बहुत अच्छा रिव्यू। जी हाँ, वो रिव्यू जो होगा ना, तुम्हें भी बहुत अच्छा लगेगा और मुझे तो अच्छा लगता ही है। तो मैं एक आर्टिस्ट हूँ, पिछले 8 सालों से मैं आर्ट की फील्ड में काम कर रहा हूँ। मैं काफ़ी स्कूलों में जाकर काम भी किया हूँ और मैं आज के डेट में एक स्कूल में टीचर भी हूँ। वहाँ पर मैं आर्ट सिखाता हूँ और तरह तरह के ट्रिक सिखाता हूँ। मतलब कुछ भी बोलो यार, आर्ट में जो मज़ा है ना, सच में मज़ा आ जाता है। एक आर्टिस्ट होने में तो जो मज़ा है ना, वो पता ही चलता है। तो अभी मैं रात का 11:30 बजे मैं वीडियो बना रहा हूँ और तुम लोग को मैं दिखाने वाला हूँ कि यहाँ पर मैं क्या बना रहा हूँ। पिछले मैं कुछ दिनों से चैलेंज लेकर रखा हूँ, 30 दिनों का मेरा चैलेंज है और पर डे मेरा एक वीडियो आएगा। तो तुम मैं यूट्यूब में अगर देख रहे हो तो यूट्यूब के माध्यम से भी तुम यहाँ पर देख सकते हो वीडियो को, और फेसबुक में हो तो फेसबुक में आर्टिस्ट गणेश शर्मा सर्च करोगे तो वहाँ पर भी तुम मुझे पालोगे। और अगर तुम इंस्टाग्राम में आना चाहते हो तो इंस्टाग्राम में भी तुम पालोगे। तो मैं सभी सोशल मीडिया का यूज़ कर रहा हूँ और वहाँ पर मैं अपने नॉलेज को जो मैंने पिछले 8 सालों से सीखा है, मैं तुम लोगों के साथ बांट रहा हूँ। तो अभी मेरे पास में कुछ प्रोजेक्ट है जो कि मैंने बनाया है और 30 दिनों का चैलेंज है। 1K सब्सक्राइबर है, 1K सब्सक्राइबर, ठीक है? तो मैं चाहूँगा कि तुम लोग मेरा मदद करो, और अगर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर दो, और पुराने हो तो कमेंट करो, लाइक करो। यार छोड़ क्यों देते हो मेरे को यार, मैं हर दिन आ रहा हूँ तुम्हारे पास में। तो मेरे पास में जो चीज़ है ना, मैं अब तुम लोग को यहाँ पर दिखाने वाला हूँ, तो देखो। अरे ये क्या कलर चेंज हो गया? हाँ, कलर तो चेंज होगा ही नहीं। कलर इसलिए चेंज हुआ क्योंकि मैं तुम लोगों को दिखाने वाला हूँ कुछ और। देखो, ये बहुत ज़्यादा चमक रहा होगा, दमक रहा होगा, एकदम पूरा टकाटक। एक्चुअली इसमें क्या है ना कि कलर किया गया है, इसमें वाइट कलर को किया गया है और ये मैट कलर है, इसको किया गया है। इसके ऊपर में कलाकृति मैं करके तुम लोगों को दिखाऊंगा। और इसके साथ में एक और चीज़ है भाई, थोड़े से मुझे भी पिला दे शराबी फिर देख होता है क्या। अरे मैं वो गाना गा रहा हूँ, लेकिन मेरे पास में जो प्रोजेक्ट है मैं उसको दिखा रहा हूँ। ये देखो, इसका जो ब्रांड है ना, मैं ब्रांड को छिपा कर रख रहा हूँ। कौन सा ब्रांड है तुम लोग देख कर समझ गया होगे कि क्या चीज़ है। तो मैं एक आर्टिस्ट के तौर पर मैं तुम लोग को बता दूँ कि इसमें मैं बहुत ज़्यादा क्रिएटिव किया हूँ और तुम लोग को मैं दिखा रहा हूँ। किया हूँ तो मैंने बहुत कोई को गिफ्ट में दे दिया है, या फिर मैं उन्हें बिक्री किया है, ठीक है? मैं कमीशन वर्क भी लेता हूँ, तो इस तरह से मैंने किया है। तो तुम लोग मेरा नाम जानते हो ना, अगर नए आए हो तो मेरा नाम है गणेश शर्मा, अगर पुराने हो तो चलेगा भाई, सही है। तुम लोग लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर जरूर करना ना उन दोस्तों को, उन भाइयों को, उन रिश्तेदारों में जो इस तरह के क्रिएटिव काम करना चाहते हैं और सीख रहे हैं। मेरे वीडियो से उनको बहुत लाभ होगा। इसका जो चीज़ है देखो, ये ज़्यादातर क्या होता है ना, बियर है ये, है ना? तो इसको ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, पीते हैं और फेंक देते हैं। बहुत महंगा आता है, यहाँ पर मुझे 180 रुपीज़ दिख रहा है और ये आता है। देखो, अगर मैं सामने से नहीं दिखाऊंगा यार, नहीं दिखाऊंगा, कुछ नहीं करूँगा, तो यहाँ पर है। इसका भी मैं क्रिएटिव कर रहा हूँ और मेरे पास में कुछ कलर है, वाटर कलर है, फिर एक ये है एनामल कलर है, तो मैं उसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ और उसको ही डाल के मैं इसमें कुछ ना कुछ बनाता हूँ। चलो, क्या बनाते हैं, किस तरह से बनाते हैं तुम लोग को दिखाता हूँ। तो मैं बता दूँ कि मेरे पास में जो जो कलर है और जो जो चीज़ मैंने बनाया है, तो वो यहाँ से मैं उठाता हूँ। सबसे पहला जो है मेरे पास में वो है ये देखो, ठीक है? अब देखना, इधर में पेड़ दिख रहा है ना तुम लोगों को। अब देखो यहाँ पर क्या है ना, घर है यहाँ पर, ये आया घर, देखो ये घर है, ठीक है? घर के नीचे में ये जो दिख रहा है ना, ये पानी का पार्ट है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने बनाया है पत्थर और पूरा ग्रीन लुक दिया है इधर से, और अंदर से देखो ये खाली है, इसमें कोई भी कलर नहीं डाला मैंने। और इसमें ये पूरा का पूरा देखो, ये घैला को किस तरह से मैंने बनाया है, तो ये घैला को बना दिया। अब इसको क्या करना है कि इसको अच्छे से पैक करके और गिफ्ट के तौर पे दे देना है। किसी को भी अगर गिफ्ट के तौर पे इस तरह से दोगे तो बड़ी मज़ा आएगा ना। तो ये इसको बनाने में मुझे ज़्यादा खर्च नहीं आया है, बहुत ही कम खर्च में ये बन गया है। इसका वीडियो तुम लोग को मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पर जाके तुम देख सकते हो इसका वीडियो, है ना? ये सीरीज़ का पहला पार्ट का था।
अब आते हैं दूसरा पार्ट में। ये सीरीज का दूसरा पार्ट है, देखो इसको भी मैंने बनाया है उसी तरह से। इसमें एक तो घर है, बगल में पेड़ है, और यहाँ पर नारियल का पेड़ है, और इसका पानी का एक तो पार्ट यहाँ पर बनाया हुआ है। तो सब कुछ यहाँ पर है, दिख रहा है यहाँ पर, देखो यहाँ पर पंछी भी उड़ रहा है। तो ये बहुत खूबसूरत लगता है देखने में। और जो भी आ रहा है मेरे पास ना, वो बस यही बोल रहा है, भाई कितने का है, दे देना मेरे को। तो इस तरह से बात हो रहा है। चलो अब आते हैं तीसरे नंबर पे। तो ये देखो, ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। ये भी इसमें मोर का बना हुआ है डिज़ाइन, है ना, मोर का। और इसका अंदर का भी पार्ट को कलर किया हुआ है, ये पूरा का पूरा कलर है। और यहाँ पर एक आसमान का, यानी कि जो सूर्य ढलता है उसका यहाँ पर एक बनाया हुआ है, देखो येलो और रेड का मिक्सिंग है। नीचे में घास बनाया हुआ है, तो ये बहुत ही खूबसूरत ये मुझे लगा, ठीक है, तो मैंने तुम लोग को दिखा दिया। उसके बाद आता है मोर का, हाँ पिकअप का यहाँ पर बनाया हुआ है। मोर का अगर मैं बात बताऊँ तो मेरे पास में ये भी है, ये देखो, ये भाई साहब अच्छे लग रहे ना, एकदम अच्छे लग रही। तो ये भी है ना, पूरा अच्छा खासा। ये अंदर से इसको मैंने गोल्डन कलर कर दिया है, इसके ऊपर में मैंने ये लाल कलर का एक थम सब वाला काम किया है, देखो थम 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 इम्प्रेशन। और उसके बाद यहाँ पर जितना भी है एक एक करके मैंने बनाया है मोर के पंख को, और बहुत ही खूबसूरत है ये। कोई भी आ रहा है तो बस यही बात बोल रहा है, भाई दे दो ना यार। तो मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, भाई ले जाओ ना, उचित मूल्य देकर आप ले जाओ ना, कहाँ मैं मना कर रहा हूँ, मेरे को भी तो चाहिए, ठीक है। तो चलो इसी तरह से वीडियो और भी मैं लेता रहूँगा। अरे हाँ, एक चीज़ तो मैं भूल ही गया ना, ये देखो टैंग टैंग टैंग, ये देखो अभी मैंने कहा कि ये बियर का बॉटल है, और इसको देखो कितना अच्छा क्रिएट हुआ है, ये बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में। तो एक लेडी का है, अब जिसको भी पसंद है तो भाई लेके चले जाओ ना, कहाँ मैं मना कर रहा हूँ। देखो बगल ये ली हुई है यहाँ पर पानी, ये हंडी ली हुई है, ठीक है, और कितना अच्छा इसमें कलाकृति काम हुआ है। तो मुझे ये पर्सनली बहुत अच्छा लग रहा है, तुम लोगों को कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताना, और कौन सा पार्ट तुम लोगों को बहुत अच्छा लगा है ये भी कमेंट करके तुम लोग बताना। तो चलो मिलते हैं एक नए वीडियो में, एक नई सोच के साथ और एक नए उमंग के साथ। तो जय हिंद, जय भारत।